मेरे को कोई बच्चा नहीं देता, मैं क्या करती हूँ? अरे यार दीदी मेरे को देती नहीं, मैं क्या मेरे को कोई बच्चा नहीं देता, मैं क्या करती हूँ? बच्चा इसको दो। रस्ते में कहीं खायो पियो कहीं नहीं, एक आंख दी इधर जागो, इधर इधर जागो, इधर जागो। मम्मा मम्मा जैसे कुछ पर आप दिखेगा नहीं वैसे ही ये कहीं आप देखेगा नहीं। अरे आज तो का जड़ी लगा उड़न हेलो। अरे ये मेरे ऊपर देख रहा है। इधर इधर हम इधर है। हेलो सुनो सुनो दोस्तों, आप सबका वेलकम है मेरे इस YouTube चैनल घमू राजस्थानी पर, और वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, ये याद दिलाना था मेरे को, और शेयर जरूर कीजिए। कोई मेरे से बात ही नहीं कर रहा, मैं नानी जी करता रहूँगी उससे। तो भाभी ने मेरे पैर में पायल पहना ही, बोल रही मेरे पैर के लग रही है, मैं पियर जाके आती हूँ तब तक आप पहन लो। मैंने कहा नहीं जी, जब आप पियर जा रहे हो इसलिए तो आपने पहनी है, और मेरे पैर में पहना रहे हो, गजब है। मैंने कहा वापस ले लो आप अपनी, मेरे को नहीं चाहिए। और इस तरह जो है इन्होंने ट्राई किया, मैंने कहा ट्राई मैं कर लेती हूँ लेकिन पहननी नहीं है मेरे को। ये ब्रासो का कपड़ा है, पहले छोटी वाली भाभी लेके गई और वहाँ जाके उन्होंने अपनी जेठानी को दे दिया ये वाली ड्रेस, और अब खुद के लिए एक दूसरी मंगाई, इसलिए ये जेठानी जी लेके आई हैं। तो बहुत सारा और भी सामान मंगाया है और इनके खुद के लिए, तो फिर ये पहले पियर जाके आती हैं, फिर इनको बाज़ार जाना पड़ेगा और उनके साथ जाना पड़ेगा मेरे को। और ये 100 रुपये भाऊ लेके बैठा है जो नानी की घुटने पे पड़े हैं, ये इन्होंने दिए हमारे जो है पड़ोस में कोई आए थे उन्होंने। और कहते हैं छोटा बच्चा पहली बार जब नवजात शिशु अपने घर पे आता है ना तो उसके तेल लगाते हैं ताकि अपने घर में चूहे नहीं आते हैं। कहते हैं ऊंदरे पड़ जावे अगर टाब रखे तेल नहीं लगावे तो फिर नानी लगावे तेल, क्या भाई मारे ऊंदरा नहीं पड़ना चाहिए। और देख रहे हैं भाभी जी के गहने, देख रहे हैं ये हमारे पड़ोसी जी, और इस बहाने इन्होंने मुंह भी देख लिया है। जब दो या तीन या इससे ज्यादा औरतें इकट्ठी हो जाती है ना तो बातें खत्म ही नहीं होती, भले पूरे दिन लेकर बैठ जाओ खत्म ही नहीं होती है। यहाँ पर जो है भाभी पीर जाने के लिए एक बार खड़ी होके उठ भी गई थी, भाई बार गेट पे गया था, वो गेट से पता नहीं फिर कहीं अपने दोस्त के पास या आसपास खड़ा होगा, वेट कर रहा होगा बार, या फिर सामने दुकान पे चला गया होगा। और हम वापस ये पड़ोसी आ गए तो यहाँ पर थोड़ी देर बातें करने बैठ गए, और ये हमारा थोड़ी देर काफ़ी हो गया था, लगभग एक घंटा हो गया था। क्या
तो एक वीडियो आपके जो है रह जाएगा, मतलब कि ये चले गए हैं वहाँ पर छोटू अपने ननियाल और वहाँ चले गए, हम यहाँ से फिर कहीं और चले गए हैं, तो वो वाला वीडियो जो है काफ़ी ख़ास है, तो उसको हमने रोक लिया। और वापस जब ये आ रहे हैं ना वापस, तो इनके वापस आने के बाद नेक्स्ट वीडियो भी शुरू हो जाएगा, उस वीडियो को हम थोड़ा आराम से बाद में डालेंगे। चलो जी अब भेजते हैं छोटू को यहाँ से, और हमें भी जाना है, लेट हो रहा है, बहुत सारे काम भी है घर पर, थोड़ा सेट सूट करके साफ सफाई करके फिर जाते हैं, क्योंकि बिखरा हुआ पड़ा है और मेहमान पे मेहमान, इससे पहले कोई और मेहमान आ गए थे इसलिए। तो ठीक आ रही, कहते हैं छींक आती है तो अपशकुन होता है, और मुझे इस छींक वाले अपशकुन से कोई डर नहीं है, क्योंकि मेरी लाइफ में वैसे ही हर घड़ी, हर दो घड़ी बाद अपशकुन जैसे हालात होते रहते हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा तो परेशान मैं इन्हीं दो चीज़ों से हूँ, एक इस जुकाम से और दूसरा मेरी खुद की किस्मत से। जुकाम होता है तो भी आधी हेल्थ ले डूबता है, जिस दिन होता है ना जुकाम उस दिन लगता है 5-6 दिन का जितना खाया पिया, वो जो इम्यूनिटी मिली वो सारी की सारी गई, और बाकी जो है ये हालात आते हैं, इसके चलते किस्मत के चलते हालात ख़राब आ जाते हैं, उसके चलते भाग दौड़ करनी पड़ती है, भाग दौड़ के चलते ना खाना पीना टाइम पे हो पाता है और ना शरीर और हेल्थ का ध्यान रखा जाता है, इसके चलते पता नहीं कितना जी पाएंगे, कब तक जी पाएंगे, आई डोंट नो। अब तो मैं श्योर भी नहीं हूँ कि क्या बताऊँ आपको, श्योर भी नहीं हूँ कि कितना जिंदा रह पाऊँगी, या लोग रहने देंगे या नहीं रहने देंगे, लेकिन फिर भी अपना कर्तव्य है कि हम जो है अपने जैसे भी अच्छे या बुरे हालात हैं उनसे लड़ते रहें, और देखते हैं कि कहाँ तक हम लड़ पाते हैं, क्या हम लड़कर सक्सेस हो पाते हैं या फिर ये किस्मत हमें ले डूबेगी, देखते हैं। यहाँ देखो रोज़ इतनी सारी मिट्टी आ जाती है और कचरा, आज मैंने कुछ निकाला नहीं, वहाँ कैंपर बाहर रख दिया है, अभी गाड़ी आने वाली है या फिर आवाज़ आ रही है बाहर। नाश्ते में बना रही हूँ पोहे में मूंगफली और ये जो ऑनियन है ये तो बच्चे लेंगे नहीं, तो ऑनियन और मूंगफली मेरे और भाई के लिए नाश्ते में डाल दूँगी इन पोहों के साथ, और बच्चों के लिए मूंगफली डालूँगी, मतलब कि बच्चे ये ज़्यादा मसाले नहीं खाते ना, तो फिर इस तरह का ये नाश्ता बना देंगे पोहे वाला। और फिर साथ ही साथ मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी, क्योंकि वो आ जाएंगे 10-10 बजे 11 बजे तक लगभग आ ही जाएंगे। तो सब्जी अभी गई थी मैं दुकान पे पोहे लाने के लिए, सब्जी ले आई थी साथ में, सब्जी घर पर थी नहीं, और सब्जी वब्जी सब बना बनू के तैयार रहेंगे, ताकि वीडियो भी अभी सुबह ही बना रही हूँ, ये वाला वीडियो एडिट कर रही हूँ सुबह ही, तो उनके आने के पहले वीडियो बन जाए, खाना बन जाए, स्नान पानी हो जाए, फिर तो पता ही है उनके साथ जाना पड़ेगा बाज़ार भी। और छोटू को रखी थी उसकी दादी, तो सब्जी में मैं ले आई हूँ ग्वारफली साथ में 2 काचर, क्योंकि ग्वारफली के साथ काचर बहुत अच्छे होते हैं, और एक आध जो है प्याज डाल देंगे, प्याज भी अभी लेकर आई थी, और एक कहीं ना कहीं से लहसुन मिल गया था, मुझे पता नहीं था घर पे लहसुन नहीं है, तो ये भी तैयार कर लेते हैं नाश्ता करने के बाद। और दूध लाए हैं खीर बनाने के लिए, वैसे दूध अब लेते ही हैं रोज़ ही, लेकिन आज के इस दूध से पूरे से खीर बना देंगे, क्योंकि ये मेहमान भी हैं और बच्चे भी खुश हो जाएंगे कि खीर बनी है, बड़े खुश होते हैं जब खीर बनती है तब। तो ये देखिए मूंगफली वाले पोहे बच्चों के लिए 1 प्लेट में मैंने ले ली है, और प्याज और मूंगफली वाले मेरे और भाई के लिए 1 प्लेट में ले ली है। तो चलिए आ जाइए, आप भी नाश्ता कीजिएगा और हम भी नाश्ता करते हैं,
बड़ा टेस्टी लग रहे हैं पोहा। और बड़े से बर्तन में अगर ऐसी कोई भी सब्ज़ी धोते हैं ना तो मतलब आराम से धुल जाती है। किसी छोटे बर्तन में जिसमें कि पूरी पूरी सब्ज़ी आती है उसमें धोते हैं तो बौड़े पानी से धुल नहीं पाती है। और ये कढ़ाई आपको नई दिख रही होगी, पहले एक ऐसा कढ़ाई था जो कि उसके थोड़ा डंडा ये टूट गया था हैंडल, तो अब ये दूसरा आया है। कहाँ से आया है ये तो अब क्या बताऊँ, भाई अंदर खड़ा है, नाश्ता दिया था मैंने वो किया और फिर अंदर गया है, नाश्ता बच गया था वो रखने और किसी से फ़ोन पे बात कर रहा है। मुझे हो रही है जुकाम और बीच बीच में मैं सुर कर रही हूँ। बच्चे तो यहीं पे सोए थे रात को और मैं सोती हूँ आजकल इस चारपाई के ऊपर, क्योंकि मेरे नीचे सोती हूँ तो सर दर्द हो जाता है सुबह। और भाई ऊपर सो रहा था छत पे और वहाँ से अब आके फ़ोन चला रहा है यहाँ पर। तो ये था आज का अपना व्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके 1 लाख जल्दी कर दीजिए।